नमस्कार, मेरा नाम जागृति शर्मा है। मैंने एमएससी स्टेटिक्स किया है और शिक्षण प्रशिक्षण में मैंने बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शिक्षण में लगभग मेरा 7 साल का अनुभव है। मैं मुजफ्फरनगर जिले में रहती हूँ। मुजफ्फरनगर जिला विश्व विख्यात है अपने गुड़ के लिए। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है और यहाँ का गुड़ दूर दूर के जिलों में भी सप्लाई होता है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में एक और चीज बहुत फेमस है, वो है यहाँ का शुक्रताल। यहाँ का जो शुक्र तीर्थ है उसका ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर एक बहुत पुराना वट वृक्ष है जहाँ पर कहते हैं कि परीक्षित जी ने भागवत कथा सुनी थी अपने जीवन के अंतिम दिनों में। इसी वजह से मुजफ्फरनगर जिला बहुत फेमस है। मुजफ्फरनगर में ही एक गांव है मख्याली, उसका एक विद्यालय है कंपोजिट विद्यालय मख्याली। वहां पर मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में लगभग 300 बच्चे हैं और यह एक ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है। जब शुरू शुरू में मैं इस विद्यालय में आई तो मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे गणित से बहुत डरते हैं। उनके अंदर गणित की रुचि नहीं थी, वो गणित से खौफ खाते थे कि गणित तो बहुत मुश्किल है। उन्हें कोई सवाल करने को दो तो वो एकदम डरते थे कि हमें तो आए कहीं नहीं, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये समस्या समाधान करने के लिए मैंने अपने बच्चों में गतिविधियां शुरू की। मैंने उन्हें गणित सिखाने के लिए ग्रुप्स बनाए, बहुत सारे खेल भी खिलाए, लेकिन उनके अंदर से वो खौफ नहीं जा पा रहा था, वो भयमुक्त नहीं हो पा रहे थे। इस बीच मैंने अरविंदो सोसाइटी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उस प्रशिक्षण ने मेरे शिक्षण कार्य में बहुत हेल्प की। उससे मुझे ऐसे कई सारे नवाचार पता चले जो बिल्कुल शून्य निवेश से होते थे। उनसे उन नवाचारों को करके बच्चों के अंदर रुचि बहुत डेवलप होने लगी और उसे करने से फायदा भी था कि हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत खर्च उठाना पड़ रहा है या कहीं से कोर्स लेके आने पड़ रहे हैं। वो बिल्कुल शून्य निवेश नवाचार थे। इसी के बीच मैंने एक अरविंदो सोसाइटी की एक ऐप है इनोवेटिव पाठशाला, वो भी डाउनलोड की। उस ऐप में आपको हर सब्जेक्ट के लेसन प्लान मिलते हैं। इसके अलावा वो किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के बहुत सारे तरीके देते हैं, उनसे आपको बच्चों को पढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। इस ऐप के अंदर बहुत सारे गेम है, जैसे ग्रिड गेम हो गया, कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गया, तंबोला हो गया, पर्ची का खेल हो गया, या गलत अवधारणा के चार्ट हो गए। इससे बच्चों को पढ़ाने में हमने कोशिश की तो बच्चों बहुत ज्यादा, हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इस टाइम जब कोरोना फैला हुआ है तो स्कूल बंद है, तो हम सब टीचर्स ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑनलाइन काम में ये ऐप बहुत काम आई। इसमें हमने जब बच्चों को ऑनलाइन ग्रिड गेम खिलाए या कॉन्सेप्ट मैपिंग की तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने लगे। पहले जो बच्चे कम ले रहे थे ऑनलाइन क्लासेस, वो भी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने का कोशिश करने लगे और बच्चों की रुचि डेवलप हुई। अब वे कोशिश कर रहे थे कि मैडम कब क्लास लें और हम उसके अंदर ऐड हो। इसके अलावा अपनी क्लासेस में ऑफलाइन बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी, वो भी आकर स्कूल में रोज लेने लगे कि आज मैडम कुछ अच्छा बताएंगी या कुछ खिलाएंगी तो हम चलो काम लेने चलते हैं। इस सबका फायदा मुझे बहुत हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी गतिविधि रहती है लेकिन आप उनका क्रियान्वयन नहीं कर पाते, लेकिन इस ऐप की मदद से मेरे दिमाग में जो जो चलता था वो मुझे मदद मिली और मैं बच्चों के साथ उसको कर पाई। कई बार आपके साथ समस्याएं आती हैं कि आप सोचते हैं कि क्या करें। मैंने अरविंद सोसाइटी से बात की, उन्होंने मेरी समस्याओं का बहुत समाधान किया और इस तरह से मेरी शिक्षण में बहुत हेल्प हुई। अब मेरे स्कूल के बच्चे ऑनलाइन बहुत अच्छे क्लासेस ले रहे हैं, वो मोहल्ला पाठशाला हो या ऑफलाइन क्लासेस में आके जो काम लेते हैं उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस सब वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरा विद्यालय रोल मॉडल विद्यालय बने और अपने कार्य के लिए मैं अरविंदो सोसाइटी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिस तरह से उन्होंने मेरे प्रशिक्षण में मदद की। धन्यवाद।